नमस्कार, बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवानी। आज जानेंगे क्यों खास है मिथिला मखाना। मखाना खाया तो होगा, मार्केट में कई बार खरीदने भी गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है? ये दिखने में जितने सुंदर होते हैं उतने ही हेल्दी भी होते हैं। जैसे समुद्र से मोती निकालने में मेहनत लगती है, इस मखाने को निकालने में भी उतनी ही मेहनत लगती है। ये असल में कमल के फूल का बीज होता है, जिसे निकालने से लेके बनाने तक की विधि में बहुत मेहनत लगती है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद अब इस मिथिला मखाने को हाल ही में GI टैग मिला है। बिहार के मिथिला मखाना को भारत सरकार ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग दिया है। लेकिन इस सुपर फूड मखाने का उत्पाद आसान नहीं है। इसके बनने की प्रक्रिया में बहुत समय और मेहनत लगता है। मिथिलांचल के लोग लंबे समय से मखाना को GI टैग देने की मांग कर रहे थे। इससे पहले बिहार के कतरनी चावल, जरदालू आम, शाही लीची और मगही पान को भी GI टैग मिल चुका है। आपको ये भी बता दें कि मखाने के कई फायदे भी हैं। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे कई न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसके डिमांड को देखते हुए बिहार के कृषि विभाग के द्वारा राज्य में मखाना उत्पाद को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी बिहार के इन 9 जिलों में इसकी खेती होती है। दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा और अररिया में मखाने की खेती होती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर मिथिला मखाना को GI टैग मिलने की बात कही थी। GI टैग मिलने के बाद मखाना उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए पहले से बेहतर दाम मिलेंगे। मिथिला मखाना न सिर्फ अपने पोषक तत्वों बल्कि अपने लजीज स्वाद के लिए भी मशहूर है। बता दें कि भारत के 90% मखाने की खेती बिहार में ही होती है और विदेशी बाजारों में भी इसकी धूम है। अब ये भी जान लीजिए कि इस GI टैग से क्या फ़ायदा होगा। अगर किसी उत्पाद को GI टैग मिल जाता है तो कोई अन्य व्यक्ति या कंपनी वो उत्पाद उसी नाम से नहीं बेच सकती। ये टैग 10 सालों के लिए वैलिड होता है और इसे रिन्यू करवाया जा सकता है। GI टैग मिलने से उत्पाद को कानूनी तौर पर सुरक्षा भी मिल जाती है। GI टैग मिलने से गुणवत्ता की भी गारंटी मिल जाती है। मिथिलांचल यानी मिथिला का एक लोक पर्व कोजगरा होता है। पर्व शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही नवविवाहिता दूल्हे का चुमाया जाता है। इसके बाद लोगों के बीच मखाना, बताशा, पान आदि बांटे जाते हैं। कोजागरा की रात जागरण का विशेष महत्व है। मिथिला के क्षेत्र में बंगाल में कोजागरा व्रत का काफ़ी महत्व है। मिथिला के लोगों के लिए ये इतना खास है कि मखाना, पैसे और बताशे लुटाकर लोग जश्न मनाते हैं। इसे विवाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना गया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार मखाना के बाद और कौन से खाद्य पदार्थ को GI टैग मिलना चाहिए, वो बिहार का होना चाहिए। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।